गुड़ तो आप लोग दोस्तों सभी लोग जानते होंगे और इसको बहुत ही ज्यादा लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर विभिन्न काम से इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसी गुड़ को अगर आप लोग अपने फसल के अंदर प्रयोग करते हैं तो इतना शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है कि आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गुड़ के बारे में और आप लोग गुड़ को अपने फसल के अंदर कैसे प्रयोग करेंगे, इसको प्रयोग करने से क्या क्या फायदा देखने के लिए मिलेगा, इसके अंदर क्या ऐसा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, इसको हम लोग कब कैसे और कितने मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, पूरे डिटेल्स में आज हम गुड़ के बारे में ही बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। बट उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड़ क्या है। गुड़ तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि गुड़ गन्ने के रस से बनता है और इसको बहुत ही ज्यादा लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसी गुड़ को अगर आप लोग अपने फसल के अंदर प्रयोग करते हैं तो इतना शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है कि आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे। तो आखिर क्या ऐसा इसके अंदर न्यूट्रिएंट पाया जाता है ताकि इतना शानदार रिजल्ट मिलता है फसल में प्रयोग करने के बाद, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों गुड़ के अंदर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मात्रा में आयरन, मैंगनीज, पोटेशियम और मैग्नीशियम मिलता है। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मात्रा में आप लोगों को कैल्शियम और उसके साथ साथ फॉस्फोरस भी मिल जाता है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं गुड़ का मोड ऑफ एक्शन, यानी कि गुड़ को हम लोग जैसे अपने फसल के अंदर प्रयोग करते हैं तो ये फसल के ऊपर कैसे काम करता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि मिट्टी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें से बहुत ही अच्छे वाले फंगस भी होता है और बहुत ही अच्छे वाले बैक्टीरिया भी होता है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा होता है, सोडोमोनास होता है, माइकोराइजा होता है या फिर एजोटिक बैक्टीरिया भी होता है, और भी बहुत सारे अच्छे वाले फंगस और बैक्टीरिया होता है। लेकिन ये सब ज़्यादा मात्रा में जब होता है मिट्टी के अंदर तो ये फसल के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और ये सब जो अच्छे वाले फंगस और बैक्टीरिया होता है इसके लिए खाना लगता है और हम लोग गुड़ को इसके खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल करने से यही फायदा होता है कि मिट्टी में जितने प्रकार की पोषक तत्व तो मिलता है वो पौधे के ऊपर अवेलेबल हो जाता है। तो ये है इसका मेन मोड ऑफ एक्शन। आप दोस्तों बात कर लेते हैं गुड़ को जैसे आप लोग किसी भी फसल में प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग करने के बाद क्या क्या फायदा देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं गुड़ को अगर आप लोग ठंडियों के मौसम में प्रयोग करते हैं फसल में तो फसल में ये ज़्यादा फुटाव और ज़्यादा ग्रोथ ले आता है, क्योंकि ठंडे के दिन में अगर आप लोग किसी भी फर्टिलाइजर या फिर किसी भी टॉनिक को डालते हैं तो उतना ज़्यादा ग्रोथ और फुटाव नहीं मिल पाता है जितना आप लोग गुड़ को प्रयोग करने पर मिलता है। क्योंकि गुड़ एक गर्म होता है और इसीलिए ठंडियों के दिन में इतना शानदार रिजल्ट मिलता है। उसके साथ साथ पौधे में ये पोषक तत्वों को पूर्ति करता है, क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि गुड़ के अंदर आप लोगों को बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलता है और इसीलिए ये सब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है वो आप लोगों का पौधे के ऊपर मिल जाता है ठंडियों के मौसम में। उसके साथ साथ गुड़ बहुत ही सस्ता होता है, ये भी एक फायदा होता है, क्योंकि बहुत सारे पेस्टिसाइड जो होता है वो बहुत ही महंगा में आता है लेकिन गुड़ बहुत ही सस्ता होता है। उसके साथ साथ फसल का क्वालिटी और फसल का इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है जिस कारण में फसल के अंदर ज़्यादा रोग बीमारियों का प्रकोप नहीं हो पाता है। उसके साथ साथ फसल के अंदर ज़्यादा फुटाव और ज़्यादा कल्ले भी ले आता है जिस कारण में पौधे में आप लोगों को ज़्यादा मात्रा में फूल खिलने का देखने को मिलता है। तो इतने सारे फायदे आप लोगों को दोस्तों गुड़ को प्रयोग करने पर देखने को मिलता है। आप बात कर लेते हैं दोस्तों गुड़ को हम लोग कौन कौन सी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों गुड़ को आप लोग चाहे कोई भी फसल में प्रयोग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, चाहे वेजिटेबल वाली फसल हो, चाहे आप लोग फ्रूट वाली फसल हो या फिर चाहे आप लोग फूल वाली फसल हो, किसी भी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं, आप लोगों को शानदार रिजल्ट मिल जाएगा। आप बात कर लेते हैं गुड़ को हम लोग कब और कैसे फसल के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि गुड़ को अगर आप लोग गर्मियों के मौसम में प्रयोग करते हैं तो आप लोगों को उतना ज़्यादा हैवी मात्रा में नहीं प्रयोग करना चाहिए। गर्मियों के मौसम में आप लोग 1 से 2 kg के ज़्यादा आप लोगों को नहीं प्रयोग करना चाहिए। आप लोगों को बता देते हैं अगर आप लोग ठंडियों के मौसम में गुड़ को प्रयोग करते हैं तो आराम से आप लोग कर सकते हैं, लगभग 3 से 4 kg तक लेके 5 kg तक भी आप लोग यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ साथ आप लोगों को बता देते हैं कि बारिश के मौसम में भी आप लोग गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को 3 से 4 kg से ज़्यादा आप लोगों को प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे आप लोग गुड़ को अपनी फसल के अंदर प्रयोग करते हैं सिंगली, और उसके साथ अगर आप लोग नीम की खली या फिर सरसों की खली या फिर चाहे कुछ भी खली हो या फिर अगर आप लोग ट्राइकोडर्मा को मिला करके एक साथ में प्रयोग करते हैं तो जितना शानदार रिजल्ट मिलता है उससे और भी अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा इसको प्रयोग करने पर। उसके साथ साथ आप लोगों को बता देते हैं कि इसका जो डोज रखना है स्प्रे के लिए वो आप लोगों को लगभग 15 से 20 ग्राम प्रति 15 लीटर के पंप में मिला करके आप लोगों को प्रयोग करना है और तभी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या हम गुड़ के साथ किसी दूसरे पेस्टिसाइड को मिला करके एक साथ में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये गलती आप लोगों को कभी भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग गुड़ के साथ
किसी भी पेस्टिसाइड को मिलाते हैं तो आप लोगों को नुकसान देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को बता देते हैं कि गुड़ एक चिपचिपा पदार्थ होता है और जैसे आप लोग किसी भी फसल में गुड़ को प्रयोग करते हैं तो ज्यादा मात्रा में किसी भी पत्ते में या फिर किसी भी जगह पे जब प्लांट के अंदर अगर चिपक जाता है तो वो आप लोगों को वहां पर नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उसके अंदर पेस्टिसाइड मिला होता है और पेस्टिसाइड जहां पे ज्यादा मात्रा में चिपक जाता है वहां पे आप लोगों को नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। इसीलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि गुड़ को आप लोगों को सिंगली स्प्रे करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं प्राइस के ऊपर, तो मार्केट में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस होता है, लेकिन अंदाज से आप लोगों को बता रहे हैं कि लगभग एक केजी का प्राइस आप लोगों को 30 से लेकर के 50 रुपए के आसपास मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग अपने फसल के अंदर गुड़ को प्रयोग करते हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदा मिल जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बता सकते हैं, और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।